की जश्न आजादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह आराशी एशिया के स्टॉल्स पर शहरी रंग जमाने लगे। नन्हे मुन्ने बच्चे वालिदैन के हमरा स्टॉल्स पर पहुंच गए, जहां जश्न आजादी के हवाले से सब्ज हलाली परचम और मुख्तलिफ आराशी एशिया की खरीदारी जारी। इसी पर मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा उमर भट्ट से। जी उमर, क्या तफसीलात आगाह कीजिएगा। कौमें अपना जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाती हैं, यही वजह है कि 14 अगस्त करीब आते ही शहर भर में सियालकोट समेत दीगर इलाकों में 14 अगस्त मनाने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। सियालकोट समेत दीगर इलाकों में मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल सज गए हैं, जहां पर झंडे और झंडियों और मुख्तलिफ किस्म के बैजेस का सिलसिला जारी है। यहां पर बच्चे अपने वालदैन के साथ आ रहे हैं और 14 अगस्त की हतमी शक्ल तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए यहां पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ स्टॉल पर यहां पर बच्चे झंडे झंडियां और मुख्तलिफ बैजेस की खरीदारी का सिलसिला यहां पर जारी है। मैं आपको यहां पर यह भी बताते चलूं कि सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पर यहां पर जो स्टॉल सज गए हैं, 14 अगस्त मनाने की तैयारियाँ जो अरूज पर हैं, शहरी भरपूर तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल पर आ रहे हैं और यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जब मैं आपको बताते चलूं कि जब हमारी रेहड़ी बानों से बात हुई, उनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो कस्टमर जो है वो बहुत कम खरीदारी करने में आए, लेकिन हमने कुछ जगह पर ये भी देखा है जहां पर जो शहरी हैं वो 14 अगस्त की खरीदारी के लिए बेतहाशा यहां पर रश देखने में नज़र आ रहा है। शहरियों का कहना है कि हम हर साल भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं और 14 अगस्त को हतमी शक्ल देने के लिए अपनी तैयारियों को भी हम अरूज पर लेकर आ रहे हैं।